विगत दिवस सिवनी मालवा नगर पालिका टीम के द्वारा खुले में लग रही मांस मटन की दुकानें बंद कराई गई थी। वही उसके बाद आज नगर पालिका के द्वारा मांस मटन विक्रेताओं की एक बैठक जयस्तंभ चौक पर स्थित पार्किंग ग्राउंड में आयोजित की गई। बैठक में राजस्व निरीक्षक अमर सिंह उइके ने सभी मांस मटन विक्रेताओं को कहा कि सभी विक्रेता जल्द से जल्द अपने लाइसेंस बनवा ले, जिसके बाद ही बिक्री करें, अन्यथा नगर पालिका के द्वारा कार्यवाही की जाएगी। मांस विक्रेताओं ने बताया कि हम वर्षों से यहां मांस की दुकान लगाते आ रहे हैं, अचानक नगर पालिका प्रशासन के द्वारा दुकान हटा दी गई, जो कि गलत है। सिवनी मालवा शहरी क्षेत्र दो दर्जन से ज्यादा दुकानें लगती हैं, इनके कर्मचारी और परिवार कहां जाएंगे। इसके लिए हम आज सभी आए हैं और चर्चा की है। नगर पालिका अधिकारियों के द्वारा बताया गया है कि सभी अपने अपने लाइसेंस बनवा लें, जिसके लिए नगर पालिका से NOC लेनी होगी। कई विक्रेताओं ने बताया कि उनके पुराने लाइसेंस को रिन्यू की प्रोसेस नहीं हो पा रही है, जिस पर अधिकारियों के द्वारा आश्वासन दिया गया है कि उसके बारे में भी जानकारी ली जाएगी कि क्यों रिन्यू की प्रोसेस नहीं हो रही है। नगर पालिका राजस्व निरीक्षक अमर सिंह उइके ने बताया कि नगर पालिका के द्वारा प्रशासन को नए मटन मार्केट के लिए डिमांड भेजी गई, जल्द ही मटन मार्केट का काम भी किया जाएगा, जिसके बाद सभी को दुकानें आवंटित की जाएगी। तब तक मुख्य मार्ग पर दुकानें संचालित ना करें। किस प्रकार की बैठक है ये? माननीय मध्य प्रदेश शासन के आदेशानुसार जो नगरी सीमा क्षेत्र में खुले में कुछ लोग व्यवसाय करते थे, मछली का, मुर्गे का और अन्य मीट जो है, तो इनके प्रतिबंध के लिए शासन के सख्त निर्देश हैं कि इनको खुले में नहीं बेचना है, जिससे गंदगी भी होती है और आमजन को परेशानियां भी होती हैं। तो इसको दृष्टिगत रखते हुए सभी मीट मटन मार्केट वाले और अंडे वाले सभी भाई लोगों को हमने यहाँ व्यापारियों को बुलाया और इनको समझाइश दी कि भैया आप लोग अपना व्यवसाय खुले में ना करें, आपकी जहाँ दुकान है आप वहाँ करें, उसमें भी आप सफाई रखें, लाइसेंस अनिवार्य है और इसके बाद में नगर पालिका से NOC लेना ये भी अनिवार्य है और शासन के जो नियम है, जो गाइडलाइन है, उनका आप सभी को पालन करना अनिवार्य है। इसलिए आप सभी लोगों की यहाँ ये कैंप लगा के हम लोगों ने समझाइश दी। नगरपालिका ने NOC की सीमा से क्या समय सीमा दी है, कितने दिन में NOC मिल जाएगी? NOC तो यदि ये लोग आवेदन करते हैं, यदि जिस भूमि में या जिस दुकान में किसी को कोई आपत्ति ना हो और ना तो कोई राहगीर को, ना कोई मोहल्ला पड़ोसी को, ना तो नगर पालिका को, तो ये लोग हम तो दूसरे दिन जारी कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। मटन मछली व्यापारियों के लिए कब तक आवंटन कर दी जाएगी आपके नगर पालिका के द्वारा, एक मार्केट जो बनाने की आप बात कर रहे हो, ये कब तक समय? अभी शासन से हमने मांग की है जगह की, तो शायद बहुत जल्दी हो जाएगा, तो हम लोग और शायद राशि भी स्वीकृत होने के लिए पत्र लिखा है, तो जैसी हो जाएगी तो लगभग जैसी राशि आ जाएगी और वो हमको जगह आवंटन होती है तो तुरंत हम 3-4 महीने में पूरा क्लियर करके सब व्यवस्थित कर देंगे। वर्तमान में कई धार्मिक स्थलों के सामने और आसपास भी मटन और मांस की दुकानें लग रही हैं, उसमें किस प्रकार से आपके द्वारा कार्रवाई? धार्मिक स्थल, मंदिर, मस्जिद जो भी हैं, आप सभी लोगों को बताया गया है कि जहाँ धार्मिक अपने स्थल हैं, सार्वजनिक स्थल हैं, यहाँ आप दुकान नहीं लगाएंगे, 100 मीटर की दूरी भी रहे और किसी प्रकार की कोई गंदगी ना हो। तो आप लोग सब ये सहमत हैं कि हम ऐसे जो शासन नियम बताएगी हम उस अनुसार कार्य करेंगे। नगर पालिका नियम मार्केट में बना हुआ है, मटन मार्केट में धार्मिक स्थल के पास नहीं बना हुआ। हाँ सही बात है, क्या करें? अब यहाँ मंदिर से 100 मीटर दूरी तो है, लेकिन हम इसको भी वहाँ जो अपना लोखर तलाई रोड है यहाँ पे हम लोग व्यवस्था कर रहे हैं, तो वहाँ पे बहुत जल्द व्यवस्था होने वाली है, तो आप सभी की व्यवस्था वहाँ करेंगे। और जैसे बनापुरा क्षेत्र है तो वहाँ भी कोई शासकीय जगह होगी तो वहाँ भी हम व्यवस्था करेंगे आप सभी की। मार्केट एक ही बनेगा कि दो बनेंगे, बनापुरा वाला? नहीं, अब जैसे यदि कहीं वहाँ शासकीय जगह कहीं हमको मिलती है मांग अनुसार तो दो कर देंगे, नहीं है तो फिर दोनों को, फिर जहाँ हमको मार्केट बनाने की जगह उपलब्ध होगी वहाँ हम लोग इनकी व्यवस्था करेंगे।